नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स.com। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही के कारण एक मोटरसाइकिल लूटकांड का आरोपी पुलिस अभिरक्षा से चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल शुक्रवार को जिले के महसी थाना क्षेत्र के पस्तपार पुल के समीप बाइक लूटकर भाग रहे दो मोटरसाइकिल पर सवार चार अपराधी में से दो अपराधियों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद महसी थाने के चौकीदार के सहारे एक लूटकांड के आरोपी पप्पू कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात इलाज के दौरान लूटकांड का आरोपी हाथ में हथकड़ी लिए पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि यह पूरी घटना सदर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लूटकांड का आरोपी को देर रात बाथरूम ले जाया जाता है और कुछ ही देर बाद चौकीदार को चकमा देकर आरोपी फरार हो जाता है। वहीं फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सदर SDPO ने कहा है कि इस मामले में जो भी पुलिसकर्मी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मामला है कल शाम 6:30 बजे गुरो चौक में मोटरसाइकिल लूट हुई थी, जिसमें दो बंदे को पब्लिक ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। उन लोगों को चोट आई थी, तो चोट के क्रम में एक पप्पू यादव नाम का लड़के को चोट थोड़ा ज़्यादा था, तो उसे रेफर किया गया सदर अस्पताल। वहाँ चौकीदार एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा इलाज करवाया जा रहा था। तो रात में सुबह में ये लेटरिन जाने के बहाने में ये भाग गया। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस लूट में एक और प्रेमराज पकड़ाया है, उसके निशानदेही पे मोटरसाइकिल लूटी गई। मोटरसाइकिल एवं प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, एक पिस्टल और 5,000 रुपया भी बरामद किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए फिर क्या किया जा रहा है? उसकी गिरफ्तारी के लिए उस संबंध में एक केस टाउन थाने में दर्ज किया जा रहा है भागने की, और हमारी पुलिस लगी हुई है उसके सारे ठिकाने पे। गिरफ्तारी तो छापेमारी की जा रही है, जल्दी वो भी पकड़ा जाएगा।